नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल GS Planet पे। आज है 2 जून 2021 और आज के प्रमुख महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और उनसे जुड़ी हुई घटनाओं का अध्ययन करेंगे। तो आज पहला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। तो पहला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व दुग्ध दिवस यानी कि वर्ल्ड मिल्क डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है, तो ये 1 जून को मनाया जाता है। जाहिर सी बात है, आज 2 जून है तो कल की घटनाओं को हम लोग देख रहे हैं, तो 1 जून को ही मनाया जाएगा। लेकिन आगे जब भी ये क्वेश्चन आए तो ध्यान दीजिएगा, ये 1 जून को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्या है इसका उद्देश्य, ये आगे देख लेते हैं। वर्ल्ड मिल्क डे ऑब्जर्व ऑन एवरी जून 01, ठीक है, ये इंटरनेशनल डे है पहली बात। तो जाहिर सी बात है, अगर इंटरनेशनल किसी संस्था के द्वारा ये मनाया जाता होगा तो ये मनाया जाता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी FAO। FAO ये एक तरह की यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। इसकी है यूनाइटेड नेशन की एक विशेषीकृत संस्था है, ठीक है। इसका उद्देश्य यही है कि पूरी दुनिया के अंदर जो भी खाद्य संकट है यानी कि फूड सिक्योरिटी के जो भी चैलेंजेस हैं उनको समझना, उन पर रिसर्च करना और समय समय पर विश्व को और देशों को उनकी समस्याओं के प्रति आगाह करना और उनके तरीके बताने कि कैसे इस तरह की समस्याओं से निदान पाया जा सकता है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो ये कहाँ है, रोम में। कहाँ पर है, रोम। रोम जो कि इटली की राजधानी है, ठीक है, रोम इटली की राजधानी है। रोम में इसका जो है क्या कहते हैं कि हेडक्वार्टर है। ना याद है तो इटली से बन जाएगा इडली। इडली खाने पीने की जगह है, तो खाने पीने यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर वहीं पर है। इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, कब हुई थी, सॉरी इसकी स्थापना कब हुई थी, ये आप लोग मुझे कमेंट करेंगे, आप लोग भी रिसर्च करें तो इससे आपको ही फ़ायदा मिलेगा। तो वर्ल्ड मिल्क डे इज एन इंटरनेशनल डे इस्टेब्लिश बाय द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस टू रिकॉग्नाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ मिल्क एज अ ग्लोबल फूड। एक तरह से ये ग्लोबल भोजन के रूप में इसे बढ़ावा देने के लिए ये मनाया जाता है, ठीक है। ये 2001 से मनाया जा रहा है। इस बार का थीम क्या है, इस बार का वर्ल्ड मिल्क डे का थीम क्या है, सस्टेनेबिलिटी इन द डेयरी सेक्टर। ध्यान दीजिए, जो भी मिल्क से रिलेटेड जो इंडस्ट्री होती है उसे डेयरी सेक्टर कहा जाता है, और उसमें सस्टेनेबिलिटी लाने की, सस्टेनेबिलिटी लाने का मतलब होता है हिंदी में, सस्टेनेबल का मतलब होता है सतत, सतत का मतलब होता है एक ऐसा। ध्यान दीजिए, इसमें दो तीन चीज़ें इसमें शामिल हो जाएगी। जब भी सस्टेनेबिलिटी का मतलब एक ऐसे तकनीक का इस्तेमाल करेंगे जिससे पर्यावरण को खतरा ना हो, ठीक है। दूसरी बात, पर्यावरण के साथ खतरा के साथ साथ जो भोजन के साइड इफ़ेक्ट है या उसके साइड इफ़ेक्ट हैं शरीर पर वो भी ना होती, इस तरह की सस्टेनेबिलिटी लाने का प्रयास किया जाएगा। इस तरह से ये इसका उद्देश्य, ये इसका थीम शीर्षक रहा है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको पता होना चाहिए कि दुनिया में दूध के उत्पादन में नंबर वन देश कौन सा है, तो आपका अपना हमारा प्यारा भारत महान देश इंडिया। इंडिया पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन करता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा निर्यात के मामले में ये पीछे है। क्यों, क्योंकि जितना ज़्यादा ये उत्पादन करता है उससे उतना ही ये उपभोग भी करता है, तो लार्जेस्ट कंजम्पशन में भी ये नंबर वन, ये इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट कंजम्पशन बेस्ड कंट्री, ठीक है। तो कंजम्पशन में भी आ गया है और प्रोडक्शन में भी आ गया। अगर यहाँ पर एक और क्वेश्चन बन जाता है कि राज्य, कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, तो उत्तर प्रदेश। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन जाएंगे, तो देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्री यूनियन मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर जी ने हाल ही में किस क्षेत्र के विकास के लिए क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत की है। क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम का मतलब होता है, क्लस्टर का मतलब एरिया, कुछ एरिया होगा जिसको घोषित कर दिया जाएगा कि इस खास इंडस्ट्री को वहाँ पर बढ़ावा दिया जाएगा फाइनेंस के माध्यम से, इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से या अन्य तकनीकी ज़रूरतों के माध्यम से। इसमें बहुत ज़्यादा क्या किया जाएगा, बढ़ावा दिया जाएगा, सहयोग किया जाएगा सरकार के द्वारा। तो किस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत की है, तो ये पहला है इसका आंसर होगा हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर जिसको हिंदी में बागवानी कहा जाता है, बागवानी मतलब फलों और सब्जियों की खेती को बागवानी कहा जाता है। तो हॉर्टिकल्चर का संबंध किस क्षेत्र से, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये फलों और सब्जियों की खेती के लिए हॉर्टिकल्चर नाम दिया जाए, जैसे विटीकल्चर है ये अंगूर की खेती के लिए, सेरीकल्चर ये रेशम की खेती के लिए नाम दिया गया, और एपिकल्चर जो कि शहद के उत्पादन के लिए इसका नाम दिया गया। तो ये सारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं सारे कल्चर। तो देख लेते हैं इस न्यूज़ को।
तो क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया जाएगा यूनियन मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा। अब प्रश्न ये उठता है, नरेंद्र सिंह तोमर जी ये क्या है? ये ध्यान दीजिए, ये कृषि मंत्री हैं। क्या हैं? एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री हैं। तो ये भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर जी ने इसे लॉन्च किया है। क्यों? ताकि देश में बागवानी को बढ़ावा दिया जा सके। तो इसमें क्या किया जाएगा, 12 हॉर्टिकल्चर सेक्टर चिन्हित किए गए हैं। देखो यहाँ पे लिखा गया है, सॉरी 53 क्लस्टर चिन्हित किए गए हैं। 53 में से 12 की शुरुआत हो चुकी है। पायलट फेज का मतलब होता है शुरू होना, शुरुआत करना। तो 12 की शुरुआत हो गई है, तो उसी से रिलेटेड ये न्यूज़ था। एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों का न्यूज़ है, जो कि आपको PDF में टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने उड़ान योजना के अंतर्गत महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब या हरियाणा? तो ये इसकी घोषणा की है किसने ने, किस राज्य ने? पंजाब ने। पंजाब ने ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही सेंसिटिव योजना शुरू की है। तो इस योजना के बारे में जान लेते हैं कि पंजाब टू प्रोवाइड फ्री सैनिटरी पैड्स टू नीडी अंडर न्यू उड़ान स्कीम्स। ठीक है, सैनिटरी पैड आप लोग जानते होंगे कि विमेन यानी महिलाएं 12 साल के बाद जो भी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, तो उसके लिए बहुत सारी अभी भी देश में जागरूकता नहीं है। लोग इसको बहुत ही घृणित अवस्था मानते हैं इस अवस्था को, जबकि लोगों को समझना चाहिए ये एक बायोलॉजिकल साइकिल है, एक जैविक चक्र है, और ये जो है शिशु के उत्पादन, शिशु के जन्म के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसे बहुत ही गलत माना जाता है, एक तरह का टैबू है, सोशल टैबू। तो फिलहाल उस सब अब धीरे धीरे दूर हो रही, अच्छी बात है। मूवी भी आई थी अक्षय कुमार की, पैडमैन, जिसने अपने तरीके से जागरूक करने की कोशिश की। फिलहाल पंजाब सरकार ने फ्री सैनिटरी पैड देने के लिए ये स्कीम शुरू की है। ठीक है, तो पंजाब के बारे में जान लीजिए, पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। इसके गवर्नर कौन है? पी सिंह बदनौर, और इसके चीफ मिनिस्टर हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन आज का। हाल ही में किसे सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी प्रत्यक्ष कर का केंद्रीय बोर्ड, प्रत्यक्ष कर का केंद्रीय बोर्ड अंतरिम महानिदेशक यानी एंट्रिम डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? किसे कहा गया है? PC मोदी, JP अग्रवाल, VK सारस्वती या JB महापात्रा? तो सही आंसर क्या है? JB महापात्रा जी को अंतरिम महानिदेशक नियुक्त किया गया है। किसका? CBDT का। अब CBDT के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, न्यूज़ तो आप लोग समझ गए होंगे, तो फिर भी पढ़ लेते हैं कि द सेंटर ऑन मंडे अपॉइंटेड JB महापात्रा एज एन इंटरिम चीफ ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस फॉर 3 मंथ। अब यहाँ पर एक शब्द आपको दिख रहा होगा, एंट्रिम, एंट्रिम या जिसे हिंदी में अंतरिम बोलते हैं। देखिए अंतरिम या एंट्रिम का मतलब क्या होता है, जब भी किसी को स्थायी, ध्यान दीजिएगा, जब भी किसी भी व्यक्ति को किसी संस्था में स्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है, परमानेंटली अपॉइंट किया जाता है, तो वो एक तरह से परमानेंट चेयरमैन हो गए। लेकिन कभी कभी कुछ लोगों को केवल कुछ खास महीनों के लिए, कुछ खास निश्चित समय के लिए अपॉइंट किया जाता है, तो उसे एंटरिम कहा जाता है। इसका मतलब होता है जब तक कोई परमानेंट नियुक्त होकर नहीं आ जाता, तब तक ये कारोबार संभालेंगे। तो इस तरह का ये अंतरिम या एंटरिम कहा जाता है। इंग्लिश में एंटरिम बोलते हैं और हिंदी में अंतरिम बोलते हैं। तो ये अंतरिम अध्यक्ष रहेंगे 3 महीने के लिए। ठीक है, इसके पहले कौन थे? PC मोदी जी थे, उनका कार्यकाल समाप्त हो गया है और उनकी जगह ये लेंगे, लेकिन ये भी सिर्फ 3 महीने के लिए, जब तक कोई परमानेंट ना आ जाए। ठीक है, JB महापात्रा एग्जाम में पूछा जा सकता है। दूसरी बात क्या है, CBDT का मतलब क्या होता है? सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्स। आप लोगों को पता होना चाहिए, जो भारतीय नागरिक है, दुनिया में जो भी नागरिक है, अपने जो भी सिटीज़न होते हैं, सिटीज़न और जो स्टेट होता है, स्टेट का मतलब हो गया अपना देश हो गया। ठीक है, यहाँ राज्य से मतलब नहीं है, यहाँ देश से मतलब है। तो जो भी सिटीज़न होते हैं वो स्टेट को क्या देते हैं? टैक्स देते हैं, और राज्य क्या करती है? बदले में उन्हें सुरक्षा प्रदान करती है। किस तरह की सुरक्षा? जीवन की सुरक्षा, उनकी संपत्ति की सुरक्षा और उनकी अभिव्यक्ति की सुरक्षा। ये 3 फंडामेंटल जो राइट्स होते हैं, ये सिटीज़न की प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी होती है स्टेट की, और इसके बदले सिटीज़न क्या देते हैं? टैक्स देते हैं। और ये जो टैक्स देते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, इतने प्रकार के होते हैं 2। एक जो सीधे टैक्स दिया जाता है DT डायरेक्ट टैक्स, और एक इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स कंजम्पशन पे लगता है। कंजम्पशन मतलब जो कुछ भी सेवा या वस्तु का उपभोग किया जा रहा होगा, उस पर टैक्स लगेगा। जैसे आप जाइए बाजार में, एक माचिस खरीदते हैं, तो माचिस में जो भी दाम लिखा रहता है, मान लीजिए 1 रुपये का माचिस है, तो उस 1 रुपये में 20 पैसे, 25 पैसे या 5 पैसे, जितना भी सरकार ने तय कर रखा है,
उतना उसमें टैक्स भी इंक्लूड होता है। तो आपने पे किया दुकानदार को, दुकानदार ने पे किया होलसेलर को, होलसेलर ने मैन्युफैक्चरर को, मैन्युफैक्चरर ने गवर्नमेंट को पे कर दिया। तो इस तरह से आप अंतिम रूप से आप उसको भुगतान करते हैं, और जा तक इसके पास है डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स के माध्यम से सरकार के पास जाता है। तो इस तरह के जो भी टैक्स होते हैं वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। और डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जब आप सीधे नागरिक सीधे सरकार को जमा करते हैं। प्रत्यक्ष कर स्पेशली आय पर लगता है, जैसे इनकम टैक्स। समझ में आ गया? तो बाकी और डिटेल में पढ़ना है तो आप गूगल में पढ़ सकते हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स या इकोनॉमिक सेक्शन में आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो CBDT क्या करता है, जो भी देश के अंदर प्रत्यक्ष कर है उनको कैसे अच्छे तरीके से इफेक्टिव तरीके से वसूला जाए, उसको कैसे इंपॉर्टेंट तरीके से यूज़ किया जाए, इस तरह के नीतियाँ जो बनाई जाती है वो CBDT के माध्यम से बनाया जाता है। और उसके चेयरमैन कौन नियुक्त हुए हैं, एंटरिम चेयरमैन कौन नियुक्त हुए हैं, JP महापात्रा जी। अगला क्वेश्चन, ये मेरे ख्याल से निश्चित तौर पे पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। हाल ही में किस भारतीय अभिनेता को UAE एक देश है, यूनाइटेड अरब अमीरात सरकार के द्वारा गोल्डन वीजा प्रदान किया गया है। आप लोग जानते ही होंगे अरे किसको दिया गया है, संजू बाबा। किसको दिया गया है, बाबा को दिया गया है, संजय दत्त। संजय दत्त को क्यों दिया गया है, और ये गोल्डन वीजा क्या होता है ये भी समझ लेते हैं। UAE के बारे में भी जान लेते हैं थोड़ा सा। संजय दत्त इनको आप लोग जानते ही होंगे, एक मशहूर भारतीय अभिनेता है, एक्ट्रेस, एक्टर, हीरो ना बोलिए, ध्यान दीजिए आप लोग, हमारे देश में हीरो बोल दिया जाता है। हीरो का मतलब होता है नायक, वो सिर्फ कहानी का नायक है, आप लोग उसको रियल लाइफ का नायक ना बना दिया करें, ठीक है। ये लोग एक्टर हैं, ये अभिनेता हैं, ठीक है। नायक कौन होता है, हर एक जो क्षेत्र होता है उसके अपने नायक होते हैं, फिलहाल वो अलग विषय हो जाएगा। तो संजय दत्त को ये गोल्डन वीजा दिया गया। गोल्डन वीजा का मतलब क्या होता है, पहले वीजा का मतलब समझ लीजिए, बहुत लोग वीजा नहीं समझते होंगे। जब भी आप किसी दूसरे देश में अनिश्चित काल के या कुछ सॉरी किसी दूसरे देश में अस्थायी निवास के लिए जाते हैं, स्थायी रूप से नहीं, अस्थायी निवास के लिए जाते हैं, तो वहाँ के सरकार की कुछ परमिशन लेनी पड़ती है, और जो परमिशन दी जाती है वो वीजा के माध्यम से दी जाती है, ठीक है। तो UAE सरकार का एक नियम है गोल्डन वीजा का। गोल्डन वीजा मतलब जब किसी भी व्यक्ति को 10 सालों के लिए वीजा दिया जाता है तो उसे गोल्डन वीजा कहा जाता है। क्योंकि ये दिया जाता है विशेषकर जी जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं या कलाकार होते हैं या राइटर्स होते हैं, जो है जिनसे इनको फ़ायदा होने वाला है उनको ये दिया जाता है। क्योंकि क्यों ये फिल्मकार को दिया जाता है, क्योंकि इनको देने का मतलब ये बार बार आएंगे वहाँ अपनी फिल्म बनाएंगे तो इनको रेवेन्यू मिलेगा, समझ रहे हैं ना, तो देश को फ़ायदा होगा। तो इस तरह का ये कुछ जो है तरीके अपनाए जाते हैं। तो UAE की बात कर लेते हैं, यूनाइटेड एक अरब मुल्क है, मैं निकालना भूल गया, फिलहाल अगले किसी वीडियो में देख लिया जाएगा। फिलहाल जान लीजिए इसका फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात। ये एक तरह का जो है राजतांत्रिक मुल्क है, यानी कि मोनार्की है। मोनार्की का मतलब राजा वहाँ पर शासन करते हैं, वहाँ जनता नहीं चुनती है, सुल्तान वहाँ पर नाहयान करके वहाँ के हेड हैं, ठीक है। दूसरी बात क्या है, UAE की राजधानी क्या है, राजधानी आबू धाबी है। UAE अक्सर चर्चा में रहता है क्योंकि भारत से इसके बहुत ही बेहतरीन संबंध हैं। अभी एक और चीज़ के लिए चर्चा में, IPL 2021 के जो बाकी मैच होंगे वो फिर से UAE शिफ्ट होंगे। पिछले साल भी UAE में ही हुआ था, तो इस बार भी UAE में ही होगा, क्लियर है। तो ये थी UAE की बारे में जानकारी, ठीक है। आगे देख लेते हैं, ये आप लोग हिंदी में पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ऑफशोर का मतलब अपतट, इसे अपतट बोलते हैं। अपतट का मतलब क्या होता है, तट से दूर सागर के बीच में, ठीक है। ऑफशोर पेट्रोल वेसल सजक, यहाँ सर्जक लिखा है, ये सजक है, सजक को भारतीय तटरक्षण में शामिल किया गया है। ध्यान दीजिए, सजक एक तरह का समुद्री जहाज है। सजक क्या है, एक तरह का समुद्री जहाज है जिसे भारतीय तटरक्षक यानी इंडियन कोस्ट गार्ड ICG जिसे बोला जाता है, इसके बारे में भी हम देखेंगे। इंडियन कोस्ट गार्ड बहुत ही महत्वपूर्ण जो है हमारे सुरक्षा जो भी एजेंसीज हैं, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज जितने भी, उनमें से एक ये है इंडियन कोस्ट गार्ड, उसमें इसे शामिल किया गया है समुद्री जहाज। इसका काम क्या होगा, पेट्रोलिंग करना। पेट्रोलिंग का मतलब होता है गश्त लगाना, तो समुद्र में ये गश्त लगाएगा, इसे शामिल किया गया। तो किसने इसे शामिल किया गया है, ठीक है। तो अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी, अजीत डोभाल जी, नितिन गडकरी जी। तो बहुत सारे लोग राजनाथ सिंह जी समझ रहे होंगे क्योंकि ये रक्षा मंत्री हैं, तो रक्षा से जुड़ी हुई चीज़ों में इन्हीं को उद्घाटन करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको शामिल करने का जो ये कार्यक्रम हुआ था, ये किसके द्वारा किया गया है, अजीत डोभाल जी, जो कि भारत के NSA हैं। NSA मतलब होता है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकारी होते हैं जो प्रधानमंत्री को देश के अंदर या बाहर सुरक्षा की जितनी भी चिंताएं हैं उसको लेकर रणनीति बनाते हैं, और
बाकी अन्य जानकारियां उपलब्ध कराते हैं। फिलहाल आगे देख लेते हैं इस न्यूज़ को, हमने आपको बता दिया ठीक है, ये अजीत डोभाल जी हैं ठीक है, इन्हें इंडियन जेम्स बॉन्ड भी कहा जाता है। आगे और भी देख लेते हैं, बाकी आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब दूसरी बात क्या कर रहे हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड की बात कर लेते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड क्या है, एक तरह का मैरीटाइम लॉ इन्फोर्समेंट एंड रिसर्च एंड रेस्क्यू एजेंसी है। ध्यान दीजिए, लॉ इन्फोर्समेंट मतलब जो भी समुद्री कानून बने होंगे भारत के द्वारा उसको लागू करने की जिम्मेदारी किसकी होगी, इंडियन कोस्ट गार्ड की, पहली बात। दूसरी बात, सर्च एंड रेस्क्यू एजेंसी, समुद्र में अगर किसी भी तरह की कोई समस्या आती है तो सर्च करना और बचाव करने का काम ये करती है। अभी देखिए हाल ही में गुजरात में जो है साइक्लोन आया था, उस साइक्लोन का नाम आप जानते ही होंगे, नहीं जानते तो जान लीजिएगा, नहीं जानते तो आप लोग चर्चा में था। अभी ये जो है अभी नहीं, बंगाल में एक आया था, बंगाल से ठीक पहले जो है बंगाल में यास आया था, बंगाल यास से आने से पहले एक और आया था तौकते। कौन सा आया था, तौकते जो साइक्लोन आया था उसमें तबाही हुई थी, तो कुछ समस्याएं जो समुद्र में आई थी तो इंडियन कोस्ट गार्ड ने ही रेस्क्यू किया था। ध्यान दीजिए, तो इनका काम ये है। तो इंडियन कोस्ट गार्ड की बात कर रहे हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1977 में हुई थी। कब हुई थी, 1977 में हुई थी। और इस किसके अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत, और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, कृष्णा स्वामी नटराजन। कौन है, कृष्णा स्वामी नटराजन। तो ये इंडियन कोस्ट गार्ड की बात हो गई। अगला क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस पूर्व भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने अपनी पुस्तक स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ का विमोचन किया। इन्होंने अपनी पहली पुस्तक लिखी है, कौन है, सचिन तेंदुलकर, रवि शास्त्री, वीरेंद्र सहवाग या सुनील गावस्कर जी। तो सही आंसर क्या है, भारतीय क्रिकेट टीम के अभी ये मौजूदा कोच हैं रवि शास्त्री जी। ठीक है, देख लेते हैं, रवि शास्त्री जी ये भूतपूर्व खिलाड़ी रह चुके हैं और इस समय वर्तमान में कोच भी हैं, भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य हेड कोच हैं, और ये क्रिकेट कमेंट्री के लिए भी जाने जाते हैं। 2007 जो भारत ने T20 वर्ल्ड कप जीता था तो इनकी कमेंट्री उस समय चल रही थी, और 2011 में भी जब भारत वर्ल्ड कप जीता था तो भी इनकी कमेंट्री चल रही थी। इन्हीं की माउथ, इनके मुख वचनों से ही वर्ल्ड कप की विक्ट्री को प्रोनाउंस किया गया था 2007 और 2011 की। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, इन्होंने पुस्तक लिखी है स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ। ठीक है, हाँ बस इतना ही। तो आज हमने 7 क्वेश्चन को कवर किया है, नेक्स्ट डे हम और भी क्वेश्चन को कवर करेंगे। किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।